नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के लिए जुलाई महीना एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि 26 जुलाई 2022 भारत के अंदर 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है। अब ये ऑक्शन के अंदर आपको पता है कि अदानी ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे अपने 5G ऑक्शन के अंदर, जहां पर भारत के अंदर एक नया टेलीकॉम प्लेयर का जो इंक्लूजन है वो यहां पर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अदानी ग्रुप के एंटर होने के बाद भारत के अंदर जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज है वो कौन कौन से स्पेक्ट्रम बैंड को यहाँ पर खरीदेंगे और हर एक कंपनी कितना खर्ची यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों, एक एस्टिमेटेड यहाँ पर लगाया जा रहा है, उसी के साथ साथ हर एक टेलीकॉम कंपनी को EMD देना होता है, जो है अर्निएस्ट मनी डिपोजिट, जो वो यहाँ पर देना होता है। तो कौन सा कंपनी कितना यहाँ EMD दिया है उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपके और हमारे चैनल टेक स्कैन पर चल रहा है एक मेगा गिवअवे, जहां पर आपको मिलने वाला है 2 यूनिट iPhone 13। किस तरीके से गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है अगर आपको जानना है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक आपको गिवअवे वाले वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, उस वीडियो को देखो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो और गिवअवे के अंदर पार्टिसिपेट करो। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के अंदर दो सबसे पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी, एक है रिलायंस जियो और एयरटेल। देखिए, रिलायंस जियो के अंदर काफी ज्यादा पैसा है, तो वो बेझिझक अपने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करेंगे 5G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए। और एयरटेल की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पैसे खर्च करेंगे। देखिए, रिलायंस जियो का टारगेट कुछ साल पहले से ही था कि वो अपने 5G के साथ काम करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो अपने टेस्टिंग भी यहाँ पर कर रहा था। उसी के साथ साथ अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करता हूँ, तो उनके फाइनेंस के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी से अदानी ग्रुप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, और फोर्थ नंबर पर आएंगे वोडाफोन आइडिया यानी VI कंपनी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंडिंग नहीं है, इसी कारण से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे 5G के ऊपर। अगर मैं स्पेक्ट्रम वाइज बात करता हूँ, तो हर एक कंपनीज का ये टारगेट ही है जो मिड बैंड फ्रीक्वेंसीज है उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि 3300 मेगाहर्ट्ज़ से 3600 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाए। और अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करता हूँ, तो वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम यहाँ पर परचेस नहीं करेंगे। नहीं करने का कारण जो है कि उनको B2C सर्विस नहीं देना है भारत के अंदर, वो मेनली B2B सर्विस देंगे, मतलब बाकी बिजनेसेस को जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर बाकी कंपनी B2C सर्विस देंगे, मतलब आप हम जैसे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, इसके बाद कुछ एजम्पशंस पर लगाया जा रहा है कि कौन सा टेलीकॉम कंपनी इस ऑक्शन के अंदर कितना पैसे खर्च करेंगे। सबसे पहले अगर मैं रिलायंस जियो की बात करता हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खर्च करने वाले अप्रोक्सीमेट लगाया जा रहा है 60,000 करोड़ रुपये, 60,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर रिलायंस जो करने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर आते हैं एयरटेल, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं अपने 5G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करने के लिए। थर्ड पोजीशन पर आते हैं अदानी ग्रुप, जो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मैंने कहा कि अदानी ग्रुप जो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जहाँ पर जियो 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पर अदानी ग्रुप सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने जा रहे हैं। और लास्ट पोजीशन पर आते हैं वोडाफोन आइडिया, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम होने वाला है। तो यहाँ पर से हमें क्लियर आइडिया मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया अपने 5G सर्विस तो लॉन्च करेंगे, लेकिन बहुत ही चुनिंदा जगह के अंदर लॉन्च करेंगे, जहाँ पर VI के ग्राहक के अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ पर VI सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक उसी जगह के अंदर VI अपने 5G सर्विस को लॉन्च करेंगे। मैक्सिमम जगह के अंदर VI के 5G सर्विस आज के डेट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर मैं EMD की बात करता हूँ, तो हर एक टेलीकॉम कंपनीज को कुछ पैसे यहाँ पर पे करना होता है मेनली ऑक्शंस के ऊपर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रिलायंस जो कंपनी ने यहाँ पर 6,500 से 7,500 करोड़ रुपये ऑलरेडी EMD जमा करवा दिया है। अगर मैं एयरटेल की बात करता हूँ, तो 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये का EMD जमा करवा दिया है। अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करता हूँ, तो 2,000 से 2,500 करोड़ रुपये का EMD यहाँ पर जमा करवा दिया है। और अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात करता हूँ, तो 600 से 700 करोड़ रुपये का EMD यहाँ पर जमा करवा दिया है। ऑलमोस्ट जो भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 10% जो वो EMD जमा करवाना होता है। तो EMD को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनली कितना खर्च जो वो टेलीकॉम कंपनी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जियो की 6,500 से 7,500 करोड़ की बात करता हूँ, तो वो अगर 10% होते हैं, तो ऑलमोस्ट 65,000 से 75,000 करोड़ रुपए रिलायंस जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर खर्च करेंगे। ऐसा ही कुछ आशा जो यहाँ पर किया जाने वाला है, लेकिन देखते हैं 26 जुलाई को क्या कुछ चीज़ होते हैं। लेकिन 5G के बारे में भारत के अंदर हाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होकर पड़ा है। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है 5G के बारे में, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग
वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे मुझसे मिलेगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।